हाँ तो हेलो, तो फ्रेंड्स इतने दिनों बाद फिर हम आपस ब्लैक टू वाइट टू में आ चुके हैं। तो ब्लैक टू वाइट टू क्या अब इस एपिसोड का अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो तो समझ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे ईयरफोन्स नहीं है, तो वो मेरे पास कल या परसों तक आएंगे। तो कोई बात नहीं, इससे मैं इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ तो शायद तक बिना ईयरफोन के ही चल कर रहा हूँ। तो आज इतने दिनों बाद तो मैं एक जिम को थराना चाहता हूँ। वेलकम टू द अपलिट सिटी, हियर सम फ्रेश वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। फ्रेश वाटर एक बार सही, फ्रेश वाटर सही देते ही। दिस जिम इज द ओनली प्लेस इन यूनिवर्स विद द स्टेट चूज दिस साइज। अच्छा, ये ड्रैगन टाइप जिम मतलब है ना। तो मुझे को एक काम करना चाहिए, सारे पकवान कौन से ले लेते हैं? तो आयरन फिस्ट के पास, मेरे पास कोई आधे जहाँ तक आइस पंच है। मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, मेरे आयरन फिस्ट को एक अच्छा सा टेक किया, मतलब ओरा स्फीयर 51 लेवल पे शायद तक ये लर्न करेगा। आइस पंच जहाँ तक मेरे को याद था। ओ फ्रेक्चर बच गया, लकी है तू। पर तेरे ड्रैगन डांस से तेरी स्पीड हमारे लुकारियो से आयरन फिस्ट से तेज नहीं है। ओ मैं एक गलती कर रहा हूँ। लकी एक मैंने अब मूव कर दिया है। अच्छा तो ये ऐसे मूव करता है, इसको नीचे जाने के लिए पीछे का बटन। ओ सही है, ठीक है समझ गया। फ्रैक्चर आइस पंच ड्रैगन डांस, ठीक है तो वापस आइस पंच। पहले भी ये ट्रिक अपनाई थी तुमने और हारे थे। हाँ तो मेरे को लग रहा है मैंने पोकेमोन को सही ट्रेन किया है, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि 45 लेवल के उन सबके भी पोकेमोन अपने 45 के। ओ नहीं बच गया, ड्रैडीगन हार गया। ड्रैडीगन से अच्छा काम माइंड नहीं, गिव अप। हील कर लेते हैं, फ्रेश वाटर का यूज करते। चलो तो इससे बैटल करते हैं। फ्रैक्चर आइस पंच सुएगा नहीं, अटैक तो बढ़ गया, पर अब देखते हैं हमारा प्रोटेक्ट कन्फ्यूजन। यार हमारे लुकरी ने हमारे लिए कन्फ्यूजन से दूर, यार हमारे लिए लुकारियो बस एक हिट दे दे उसको। यस थैंक यू लुकारियो, तूने हमारी बात सुन ली, एक हिट दे दी। ड्रैडीगन ओहो यस, ड्रैडीगन भी हार चुका है। अब 48 लेवल पे हमारा लुकारी हो चुका है। और अभी भी दो बंदे और बचे हैं, तो हमारे लुकारियों को तो अच्छा सा हमने अच्छा ट्रेन तो हो गया। हमारे लुकारियों भी हमारा फ्लेम का हमारा स्टार्टर है, तो हमें उससे भी ट्रेन करना चाहिए। और बिना लकी एक के तो शायद तक वो ट्रेन हो नहीं रहा।
ये ड्रैगन गजब टकरा रहा है सामने से, ये सब बहुत टकर के सर पे दे रहा है, मेरे को गजब मजा आ रहा है। ओह सही है, बेकार बेकार पोकेमोन की टोली निकल चुकी है पूरी, कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई बात नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ड्रैडिगन को पहले बाहर निकालते हैं, पहले तो वो इतना डैमेज करेंगे और फिर अपन और उनका डैमेज ले लेंगे। तो शायद तक कंफ्यूज रे यूज करता क्या मैं, ये नहीं ये नहीं, सर्फ अटैक शोकर संभाल लेगा मेरे हिसाब से, मेरे को याद था जितना कि शोकर संभाल लेगा। फ्लेम थ्रोअर यस, पावर जिम भी यस, और ड्रैगन क्लो नो, रिवेंज लिया इसने। ओ कुछ अटैक का असर ही नहीं पड़ा, रिवर्सल सारा इस ड्रैगन को मारने पे बताऊँ एम है अपना। और ये ड्रैगन खत्म, अब फ्रेक्सजोर को मारते हैं। तो ड्रैगन डांस कर रहा है एक्स्यू ने, एक्स्यू को मारना पड़ेगा मेरे को। और इधर पावर जेम में फ्रेक्सजोर पेश करता हूँ, रिवर्सल यार रिवर्सल बहुत पहले लग जाता है, इसका कुछ अटैक का यूज़ नहीं है। फ्रेक्सजोर पे अच्छा पावर जेम पहले, ओ फ्रेक्सजोर ख़त्म होने और बस थोड़ा सा रह गया। ओ थैंक यू, आज गॉड अपने साथ है। ये क्रंच अटैक करा, ये गया, ओ नहीं 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 शोकर तो गया, तो शोकर का इतना मतलब इतना भी महत्व नहीं है। तो ठीक है शोकर गया, पर कोई बात नहीं, मतलब शोकर मेरे लिए बहुत कुछ है, पर अभी इस जिम में अभी उसका कोई थोड़ा बहुत इनको रिकवर कर लेता हूँ। रेयर कैंडी कितने मेरे पास, 4 है, ठीक है यूज़ करेंगे कभी। साइड हल से बंदे से मैच करना है, चल तू भी कर ले अपनी बैटल, तू भी थ्री पोकेमोन नहीं, और नहीं यार इसके पास जो वही पोकेमोन है जो उधर वाले के पास थे, उसको हराने में इतनी मेहनत लगी थी यार, थोड़ा तो सोच हमारे बारे में। नहीं यार फ्लेम वॉक तो कैसे मर गया, वो मेरी गलती थी। तो मेरे को एक काम करना चाहिए, मेरे पास इसके पास कोई अच्छा टेक नहीं ना, आइस पंच का कमाल दिखाते हैं, कोई ना कोई तो मरेगा। रफ स्किन, इस ड्रैगन की बहुत रफ स्किन है, अरे यार डार्क पल के इसका, चलो ड्रैगन डांस, एक और डार्क पल्स यूज़ कर ही लेते हैं, मेरे को जहाँ तक विश्वास है मार देगा, ठीक है मार ही दिया। खैर इस पर भी डार्क पल्स यूज़ कर ही लेते हैं, और तेरी स्पीड भी हमारे ज़्यादा नहीं होगी हमसे। चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, सच्ची में बस इधर ही अपन को अपना कमाल दिखाना है, रिवाइव यूज करना है। मैं कब से हाइपर पोशन यूज कर रहा था क्या, तो चलो अभी जिम लीडर के पास रुको, आ ही गए हैं तो एक सेल्फी हो जाए।
चलो यार फ्लेम थ्रो यूज़ करते पहले तो कुछ काम करने था। एश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं पर एश्योरेंस जरूर है। रोल आउट रिवेंज थोड़ा धीरे मार। रिवेंज जितना ही ताकतवर होता है जितना अपनी लेवल कम होती है मतलब पावर कम होती है। तो अब लिवियन ही क्या कर सकती है, मैं एक मिनट इसको यूँ निकाल रहा हूँ। फाल्स स्वाइज डेक स्वाइप मार देगा तो एक हिट जाती इसमें। मैं ये मजाक में लड़ रहा हूँ। शेडो सभी अटैक से थोड़ी ना हम कमजोर रहेंगे, हमारे लीवे नहीं थे कमजोर भी नहीं। सभी अटैक एक बार यूज़ करा हमने तो हमको पता लगा कि हमारा एक सीजर अटैक बहुत अच्छा है और फेंट कर दिया। वाव लीवे नहीं तू तो गजब निकली फ्लाइगोन। चलो आयरन फिस्ट ही संभाल देगा। मैं इसको इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था पहले को कि इसकी लेवल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर कर ही क्या सकते हैं, जीतना तो जीतना है। एक्सोरस एक्सोरस ओ वाह आइस पंच में इसके कारण वो जम चुका था। और ये इसने पोशन यूज नहीं करा जिम लीडर ने, तो जिम लीडर ही कौन है, पोशन यूज नहीं करा। मेरे को लकी इसको देना चाहिए था। चलो जीत गए अपन हमें जिम। ओ ड्राइडन पोकेमॉन अप टू लेवल 80 इंक्लूडिंग दोस रिसीव इन ट्रेड्स इट फॉलो योर कमांड ओबीडियंटली। आई आल्सो वांट यू टू हैव दिस इट्स अ टीएम आई पर्टिकुलर ड्रैगन टेल। देखते ड्रैगन टेल हम चलो चलते हैं। नीचे ही जाना है पूरा। चलो निकले हैं पूरे जिम से बाहर। ड्रैगन डन आई विल शो यू द वे फॉलो मी। हिल कर का रहा मैं पहले, कोई शो नहीं करना अपना जी। चलो ठीक है पोकेमॉन लीग भी पास आ रही है। और तो यहाँ पे मेरे को आइटम फाइंडर यूज करना है स्क्रैगी फ्लेम थ्रोअर। वो स्क्रैगी तो थोड़ी देर में ढेर हो चुका है। फाइट नहीं कर रहा हमसे कब से तू, हम तेरे को कब से क्लिक कर रहे तेरे ऊपर, तू हमसे फाइट नहीं कर रहा। पोनियार्ड क्या बिशप सर का पहला रूप है ना, तो ये शायद एक स्टील टाइप था। हाँ तो इसलिए हार गया जल्दी, पर ये फर्स्ट इवोल्यूशन को ला रहे हैं यार। मेरे को यहाँ पे शायद तक वो बुफोलेंट मिलता है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और कहाँ जाऊँगा मैं, अच्छा इधर वहाँ नीचे है वो सम्मान जो भी है। अच्छा तू भी है पे गारबोडा, पर मेरे को तू नहीं चाहिए। रोल आउट से तेरे ख़त्म करना पड़ेगा।
उसका वी कह रहा हूँ, मतलब वी का। और भी वीक हो गया। स्लज बम यूज कर रहा है, और जैसे कि रोल आउट ने इसको फिर खत्म कर दिया। मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एक बेड यूज करता हूँ मैं इसके ऊपर। ऐसे पर है लाइंस भी। घर बड़े तो भाग नहीं चाहिए तू, निकल। वो पहले जैसे फाइट करके देख ली मैंने, पर एक काम करता हूँ फिर भी। चलो निकला। और डार्क जेम मिल चुका है, हमें बहुत सारे जेम मिल चुके हैं, पावर जेम, डार्क जेम। और हम मिसिनी को मिसिनी, तो चलो इस बंदे से फाइट करनी पड़ेगी। ओ हाँ यार, मेरे को एक चीज़ और करनी थी। चलो इस बंदे से फाइट करते पहले। ओ नहीं, गलत यूज कर लिया रोल आउट। नहीं गलत यूज कर लिया मैंने यार, लीवे नहीं, नहीं चुनूंगा शेर को, चुनूंगा मैं क्रॉक। क्रॉक तू तो गया यार, इसको डब्बा लेके बैठने की ये जगह मिली। आयन यहाँ एक गुफा है, पर मैं इसको गुफा को बाहर कैसे। गोथी रीटा शायद कि साइकिल टाइप होगा, मैंने आई थिंक सो। चलो शोकर सही है तेरे को, सही घूम फिर के वो आइटम तेरे पास ही है, क्योंकि मैं ना लगे जैसे उधर घुमा रहा हूँ ना, फिर भी क्विक क्लो घूम फिर के इसके पास ही आता है। हाँ मतलब वाइल्ड ग्लास में बहुत ज़्यादा ताकत रहते हैं, मतलब वो पोकेमोन जैसे पहले तो नहीं रहते, पहले तो 44 लेवल की आई थी शायद तक, 40 ऐसे कुछ आ रहे थे, और यहाँ पर 37 की है। फिर भी देखा इसका, इसने मेरे एक अटैक से नहीं मरी, जबकि वो पहले मेरे एक अटैक से मर गई थी। शायद तक क्विक क्लो के द्वारा हुआ गया अटैक बहुत ताकतवर भी होता है। मतलब घर बैठा पास कोई पावर जेम, बस पावर जेम तो है। और स्टैटिक्स दे दिया, स्टैटिक्स के साथ डिस्चार्ज अटैक मुफ्त में। और शोकर हो चुका है 46 लेवल पे, कॉटन गार्ड नहीं चाहिए। मैं अटैक यू मोड में जीता हूँ, डिफेंड तो मैंने करना सीखा नहीं है। कहाँ से ली इतनी बकटिया ट्रेनिंग, तो कुछ दुर्घटना ना हो जाए उसके लिए हम पहले सेव कर लेते हैं, दुर्घटना से देर भली। और जल्द से जल्द हमारे मतलब पोकेमोन भी अच्छे लेवल पे हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो लेजेंडरी तो ही सही, उनको बाद में ट्रेन करेंगे। तो मैं कह रहा था इधर चलेंगे पहले। तो यहाँ नहीं जा सकते, मतलब मेरे को लगा था यहाँ जा सकते हैं, और फिर मैं वहाँ नीचे जाऊँगा, फिर वहाँ पे जो भी होगा वहाँ सब उठा उठा के और फ्लाई करके सिटी में जाऊँगा। पर मैं कर नहीं पाया, वहाँ पे नहीं कर सकता मैं, तो चुपचाप से इधर निकलते हैं।
जो उसने बोला था वहीं चलेंगे। ओ शॉपिंग मॉल इधर इस बीच जंगल में। ए आना बात करना। शॉपिंग मॉल इस बीच जंगल में आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सेल है पोशन सेल हाइपर पोशन 1200 रुपये में। ओए 1200 रुपये का क्या है? हाइपर पोशन ले लिया था मेरे से एक मिनसिन को। पैसे जरूर देना पर हमको, क्योंकि वन हिट कर रहा हूँ तुम्हें। 1720 रुपये लूटा हमको इतना। 1720 रुपये हमको दे रहे हो। पोषण सुपर पोषण मक्सूरी भाई सब है हमारे पास। ठीक से ये सुपर मार्केट का एक आई यार, ये बिना फालतू में कुछ भी है यहाँ पर। पोकेबॉल ग्रेट बॉल नेस्ट बॉल टाइमर बॉल ग्रेट बॉल क्यूब बॉल है डिस्क बॉल है टाइमर बॉल तो है सही। टाइमर बॉल और चाहिए मेरे को। नेक्स्ट बॉल है सारी बॉल है मतलब मेरे पास है ना। हिल बॉल भी होगी अल्ट्रा बॉल भी 48 है वाह ग्रेड बॉल तो है सही। और बाकी बॉल तो मैं नॉर्मल रखता ही हूँ मैं। ओ टीम ये तो मेरे को चाहिए और नहीं चाहिए भाई साहब। पैसे देखो इस टीम के जैसे कि हमको पूरा लूट लेंगे तो यहीं पे। अच्छा टीम के बदले लूट रहे हैं। पोकेबॉल सर्व करता तो अपने पोकेबॉल सर्व करने का पर लाइन लाइपैड पर लाइन तो कुछ अलग ही है। पर लियन तो शायद इसका फर्स्ट इवोल्यूशन है आई थिंक। ज़्यादा थिंक करो और नहीं चाहिए अपने पास रखो ये सारी चीज़ें। ये भी नहीं चाहिए। ओह दादाजी पोकेबॉल पोकेडॉल पड़ी है पोकेडॉल। अब पोकेडॉल का करेंगे भी क्या हम? इतने छोटे तो नहीं है कि पोकेबॉल से खेलेंगे। वो शाम पड़ गई यहाँ तक आया था। चल फाइट कर ही लेते थे ऐसे। तू भी क्या देगा गिस्सा रहा था मैं। ये एक बग टाइप पोकेमोन के सामने एक फायर टाइप पोकेमोन है तो बिल्कुल तेरे सामने ना इंसाफ ही है। पर मैं भूल चुका था तेरा पोकेमोन पॉइजन टाइप भी है क्योंकि वो हमारा पोकेमोन था वो हमको धोखा नहीं देगा। ये गाड़ी साइड में रहा समझ में हम नहीं आती। चरम नाम की चीज ना है लोगन वन। अरे ए सही सेट लेपियन को तो क्रोकोडाइल को कंफ्यूज कर देना पड़ेगा। वेनेशोक ओ वाह। अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से क्रोकोडाइल फ्लेम शोकर पर अटैक करेगा और मैं यहाँ पे एक चाल चलूँगा कि वो मेरे चाल फिर मेरे पर भारी पड़ जाएगी शायद तक नहीं तो वह बच जाएंगे। यस लगा नहीं था पर इसी पर अटैक हुआ। गलती से एक चीज़ तो भूल ही गया और वो चीज़ है कि मैं जब सर्फ अटैक यूज़ करूँगा तो मेरा फ्लेम हुक को पड़ेगी तो क्रोकोडाइल का हम रिवर्सल यूज़ करेंगे। सुपर इफेक्टिव है पर अटैक में पावर नहीं है। लिवेनी को यूज़ करते हैं चलो।
किस में कितना है दम। लीवेनी के अटैक बहुत अच्छे हैं। चलो निकल, पहली फुर्सत में निकल। एचपी अब मिल चुका है, मतलब मैं इतने नीचे गया और वहां पे कुछ था, सेव कर लेते। चलो तो बस 8वां वेजर चाहिए अपन को। अभी हाल मैंने देखा इस गेम में ये है कि मैंने अभी तक मतलब वो बेचा तो नहीं है, पर हाँ ये खरीद ही नहीं रहे वो अपना सुपर रिपेल तो है, अरे बिग पल खरीद ही नहीं रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं। शायद सुपर मार्केट में खरीद लेते, मैंने चेक ही नहीं करा नगेट। चलो सुपर मार्केट में बेच के आता हूँ, शायद तो उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो। हट, मैं उससे बेचता हूँ, वो जो टीम बेच रहा था ना बहुत ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास, इतने लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया होगा इसने। बिग पल, नहीं बिग पल तो खरीद रहे थे पर वो बिग नगे। आई कांट बाय इट, वो यार कितना प्राइस इसका यार, वो कुछ भी वो खरीद लो। कुछ नहीं है पर तुम लोगों की हैसियत नहीं है बिग नगे खरीदने की, मतलब मेरे पास इतना पैसे वाला चीज़ है उसको कोई खरीद नहीं सकता, सब भी करी उसके सामने। तो ब्रिज है इधर एक, और शायद तक ब्रिज का एक दिखा रखा है कि थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है ब्रिज। एक मिनट रुक जा, तो ब्रिज मिल जाते हैं। द ट्यूबलैंड ब्रिज इज करंटली अंडरगोइंग अ टेस्ट टू सी हाउ मैनी पीपल इट कैन होल्ड। दैट्स राइट, आई कांट लेट एनी मोर पीपल इन राइट नाउ। तो उस बूढ़ा ने क्या कहा था, तो मैं बुलाया कहा था उसने, अच्छा यही है क्या, यहाँ बुलाया था, मैं वहाँ इतनी दूर गया। लेट मी टेल यू द स्टोरी, इट्स लॉन्ग लिसन क्यूरम आल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द एरा डीएनए स्प्लाइजर स्प्लाइजर डेट बैक। ओहो बूम, व्हाट वाज दैट साउंड, व्हाट वाज दैट, और लो क्या गजब। This world of ice, Hexorus used dragon tail. Not, that's not enough, Hexorus. Not only did the ice stay unbroken, there's not even a scratch on it. What's going on? अरे हम अपना फ्लेम हॉक निकालेगा, जला देगा। तो
तो कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उधर जाके बस फाइट कर दी, कुछ नहीं हुआ मेरा। तो इधर आना था जबकि मेरे को, कहाँ से निकलूँ? अच्छा यहाँ से, अदर जंगल। तो बस देश से फाइट करनी मेरे को मतलब। और कितनी फाइट तू कर सकता है या फिर कर सकती है, जो भी है तेरा जेंडर मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कौन उतने बस फाइट कर, वो फ्लेमों को बस ताकत दो। तुम्हारे हर एक अटैक से मेरे फ्लेमों को अच्छा ताकत बनेगा। स्क्रीच, बस यही तो भूल करती थी ना, कोई अटैक करता अच्छा था तो बस मर भी आता मैं। कौन बच रहा है? ओह तू है क्या? चेयर को भी हराते हैं। अरे तुम आइस टाइप पोकेमॉन लाओ, तुम यहाँ पे फाइट कर रहे मेरे से। चलो रोल आउट करते हैं। नहीं नहीं यार, पका रहा है बिल्कुल एकदम। या मेरे को एक फाइटिंग टाइप अटैक तो सिखाना पड़ेगा। और गार बॉर्डर आया था फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया कि क्लो, ये हमारा गार बॉर्डर भी सोचता होगा कितने पागल है हम, उसके टाइम पे भी हम पोकेमॉन चेंज नहीं करते। कोई बात नहीं, पॉइजन हो चुके हैं। गोना बेड चलो हील करो नर्जो, आपको पता नहीं बाहर क्या रहा। तो 32 मिनट हो चुके हैं, तो बस मैं स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे है ना सबको हरा।